पहले ये बताइए आप कहाँ तक पढ़ी है? 5 क्लास तक। 5 यानी क्या मजबूरी रहा था कि आप इस लाइन में आ गए प्रिया जी? ऐसे ही घर में कुछ खाने पीने के लिए नहीं था तो गोर पर गिर गया, गोर कट गया। अच्छा, मतलब पापा का पैर कट गया जी। ये दोनों को हम कभी बेटी नहीं समझे। अच्छा, तो कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं। अच्छा ये बताइएगा, अभी आप इतना वायरल है, करीब 100 मिलियन आपका रील हर जगह से देखा जा चुका है, और कहीं ना कहीं जो भारत की संस्कृति है उस कपड़े में आप वायरल हुई है, क्या बोलिएगा? अच्छा लग रहा है, मतलब वायरल हो गए हैं तो बहुत खुशी हो रहा है। अच्छा, वीडियो में ये भी देखा जा रहा है कि आप एक नॉर्मल फैमिली से हैं, गरीब घर हम जिनको गांव में बोलते हैं उससे हैं, और जो आप में टैलेंट है, ये टैलेंट कहाँ से आया पहले ये बताइएगा? पहले क्या काम करती थी आप? पहले हम काम करते थे दुगोला में काम करते थे। अच्छा, दुगोला में काम करते थे। अच्छा, रील कहाँ से बनाने लगी आप? रील 3 महीना से हम रील बनाने लगे हैं। जैसे देखिए, एक लड़की के लिए कहीं ना कहीं उनका जो फ्रीडम मिलता है वो फैमिली से मिलता है, तो आपके पापा क्या काम करते हैं? ऑटो चलाते हैं। ऑटो चलाते हैं, पिताजी आपके ऑटो यानी ऑटो रहे। अच्छा ये बताइएगा, आपका पूरा नाम क्या है? प्रिया सोहानी। प्रिया सोहानी, आपके पापा ऑटो चलाते हैं, मम्मी? मम्मी कुछ नहीं करते हैं। मम्मी मतलब हाउस वाइफ है। हाँ। अच्छा, आप एक आपका इंटरव्यू में देख रहे थे कि आपके पापा का पैर में प्रॉब्लम हो गया, उसी कारण से आप पढ़ाई छोड़कर इस लाइन में आ गए। पहले ये बताइए आप कहाँ तक पढ़ी है? 5 क्लास तक। 5 यानी 5वीं तक, यानी 5वीं को हम लोग अनपढ़ बोलते हैं भारत में। 10वीं अगर आप पढ़े तो आपको वैल्यू मिलेगा, नहीं तो अनपढ़ है। क्या मजबूरी रहा था कि आप इस लाइन में आ गए प्रिया जी? ऐसे ही घर में कुछ खाने पीने के लिए नहीं था। यानी घर में आपके खाने का नहीं था? नहीं था। और इस उसके बाद क्या हुआ था? उसके बाद मेरे दीदी इस सब लाइन में हमको लेकर आए। अच्छा, आपकी दीदी इस लाइन में लेके आई है। अच्छा, आपके पापा का क्या, पापा क्या काम करते थे? क्या टाइल्स ना होता है जी, टाइल्स वही उतार रहे तो गोर पर गिर गया, गोर कट गया। अच्छा, मतलब पापा का पैर कट गया जी। अच्छा, पैर कट गया, फिर पूरा पैर कट गया उनका, मतलब यहाँ से कटा हुआ है जी जी। हाँ। अच्छा, तो अभी क्या करते हैं आपके पापा? टेम्पो चलाते हैं। अच्छा, आप बता रहे थे कि टेम्पो आप ही खरीद के दिए हैं। हाँ, लोन पर लेके दिए हैं मेरे दीदी। अच्छा, लोन पे आप लेके दिए हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, आजकल के बेटे होते हैं अपने बाप का मदद नहीं कहीं करते हैं, और एक लड़की है लोन पर लेके काम कर दुगोला में अपने पापा को टोटो दी है ताकि उनका घर चल चुके। आइए, इनके मालिक हैं, इनसे भी बात करेंगे। अच्छा ये बताइएगा, अभी आप इतना वायरल हो चुके हैं खेसारी लाल भैया के गाने पे, खेसारी लाल भैया की तरफ से कोई संपर्क करने का आपको कोशिश किया गया? अभी तो नहीं हुआ है। कोई नहीं, अगर उनके द्वारा आपको आएगा कि आप हीरोइन एज ए हीरोइन काम कीजिएगा? जरूर करेंगे। देखिए, आपको एक हकीकत बता दे इंडस्ट्री का, आप बोल रहे हैं हीरोइन में काम करेंगे, लेकिन अपने जो इंडस्ट्री है भोजपुरी इंडस्ट्री में, आप बोल रहे हैं कि हम पूरे कपड़े में काम करेंगे, लेकिन अपने जो जनता है बिहार की पूरे कपड़े में कहीं ना कहीं एक्सेप्ट नहीं करती हीरोइन को। भविष्य में हो सकता है कि आपको छोटे कपड़े पहनने के लिए फोर्स किया जाए, क्या कीजिएगा उस समय? नहीं, छोटे कपड़ा पहन के नहीं, साड़ी पहन के काम कर सकते हैं। अच्छा, साड़ी पहन के काम कर सकते हैं। और किन कौन कौन कलाकार को आप जानते हैं, किन के साथ और काम करना चाहते हैं? सभी कलाकारों के साथ। मगही गाना सुनते हैं? सुनते हैं। आशीष भैया को जानते हैं? हाँ जानते हैं। आप कहीं ना कहीं इंडस्ट्री में इनको लाई है? न्यूज के माध्यम से जितने भी ऑडियंस हमें देख रहे हैं सभी को मेरे नमस्ते हैं। अच्छा, ये आपका गाना, ये जो जिस गाने पे वायरल हुई है, आप एक सिंगर है, एक बार आप ए राजा कहियो माहुर खा के मर जाई, आ पियल ना छोड़वा त कुछ हूँ कर जाई, ए राजा कहियो माहुर खा के मर जाई, आ पियल ना छोड़वा त कुछ हूँ कर जाई। अच्छा दीदी, ये बताइएगा कि ये लाइन को अच्छा नहीं समझा जाता, आप दोनों, आप सिस्टर है, आपकी छोटी सिस्टर है, आप इनको इस लाइन में लेके आए तो क्या उम्मीद से लाए? उम्मीद से लाए, हम 2 साल पहले ही हम सिंगिंग के काम करते थे, मेरा घर का स्थिति कुछ ज़्यादा ही खराब था, तो मैं इस लाइन में आ गए सिंगिंग लाइन में, और मुझे कॉन्टैक्ट हुआ 36 बेंजू वादक हो जो कि बख्तियारपुर के रहने वाले हैं, और उनसे कॉन्टैक्ट होने के बाद उन्होंने मुझे ये राय दिया कि सपना तुम्हारे बहुत परेशानी है तुमको घर में, तो तुम्हारे इधर कोई डांसर है तो तुम लाख दो, तुमको हम इनकम देंगे। मतलब आप अपने सिस्टर को डांसर के तौर पर लाइए। हाँ। अच्छा ये बताइएगा, आपका गाना किस चैनल से आता है? मेरा गाना तो अभी राज स्टूडियो फतुआ में हम रहते हैं। अभी राज स्टूडियो फतुआ, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो एक बार जरूर जाएं इनके सपोर्ट करें, अभी राज स्टूडियो फतुआ जिनके मालिक भाई साहब हैं, इनसे और जानते हैं। क्या कब से स्टूडियो आप चला रहे हैं?
दो साल अभी नहीं पूरा, पुरने वाला है। दो साल जी। अच्छा ये बताइएगा, आप इतना वायरल है, कल मॉडल के में आपको काम मिलेगा, मॉडलिंग में काम कीजिएगा? जरूर करेंगे। कर लीजिएगा मॉडलिंग में। अगर ये दोनों को कभी बेटी नहीं समझे। अच्छा बहुत लोग बोलते हैं कि सिंगर का काम नहीं करना चाहिए, सिंगर दुगोला या ऑर्केस्ट्रा में काम नहीं करना चाहिए। देखिए कला कहीं से आता नहीं है जी, कला सीखा जाता है, कला को कोई अंत नहीं होता है जी, कला का कोई जात भी नहीं है जी, कला